अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। आज पटना की सुप्रीम कोर्ट में मेरे वकील के द्वारा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी पर एक मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। आईपीसी के द्वारा 500 के तहत जिसमें 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है और जिस एफिडेविट में इस बात का उल्लेख किया गया है कि कर्नाटक की कोलार की सभा में उन्होंने देश के सारे मोदियों को चोर कहा और मोदी टाइटल रखने वाले जितने लोग हैं उनको उन्होंने चोर बताया है। इससे मोदी टाइटल रखने वाले सभी लोगों की भावना को ठेस लगा है और इसलिए हमने कोर्ट से आग्रह किया है कि राहुल गांधी को पटना के कोर्ट में समन किया जाए, इस मामले का ट्रायल किया जाए और लोगों की भावना को ठेस पहुँचाने और लोगों की निगाह में लोगों की छवि को खराब करने के आरोप में इस मानहानि के मुकदमे को 2 साल की सजा सुनाई। बिहार के अंदर 4400 सीट पर NDA गठबंधन अपनी बढ़त बनाएगा। पहले चरण के 4 सीटों पर भारी बहुमत से जीत रहे हैं और अभी जो दूसरे चरण का जो संकेत ट्रेंड मिल रहा है उसमें भी NDA गठबंधन और सभी सीटों पर चुनाव जीतेगा।